Hello and welcome to this special lecture on this special day. Today is 10th of December and every year we celebrate this day as International Human Rights Day. It was on this day in 1948 the Universal Declaration of Human Rights came into limelight. So aaj hum ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे. देखो जब हम राइट्स जो एक ऐसी चीज है, जब भी किसी भी इंसान के साथ कुछ भी गलत होता है तो वो पहली चीज जिसकी वो मांग करता है या पहली चीज जिसके ऊपर वो बात करता है तो वो क्या कहता है, गिव मी माय राइट्स. और अगर हम पूरी दुनिया का इतिहास भी देख लें उसमें भी जो राइट्स के लिए स्ट्रगल्स रही हैं, लाइक अगर हम इंग्लिश रेवोल्यूशन 1688, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, रशियन रेवोल्यूशन 1917 एंड ऑल्सो द अमेरिकन रेवोल्यूशन फॉर अमेरिकन इंडिपेंडेंस इन 1776, इन सभी में जो राइट्स हैं वो एक सेंट्रल पोजीशन लेता है. ओके okay? और जितने भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं और एक ह्यूमन बींग्स है, दे ऑलवेज सीक एंड आस्क फॉर राइट्स. और मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक देर इज एनी अदर डे मोर इंपॉर्टेंट देन दिस डे दैट वी डिस्कस अबाउट द राइट्स. और जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि राइट्स के ऊपर, राइट्स को हम बड़े लूजली भी यूज करते हैं, आइदर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वट एवर द स्टूडेंट इज, और इवन की जिसका बैकग्राउंड भी ना हो, इवन दैट पर्सन ऑल्सो टॉक्स अबाउट राइट्स. लेकिन आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज ए इंडिविजुअल ऑफ ए सोसाइटी, और वी कैन से द सिटीजन ऑफ ए स्टेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव ए वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट आर राइट्स. ओके, कि राइट्स होते क्या है, व्हाई डू वी नीड राइट्स, राइट्स की जरूरत क्या है, एंड फाइनली ऑन दिस डे वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर ह्यूमन राइट्स. ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू ए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ what are rights. So the title of today's topic shall be conceptualizing rights, why do we need human rights. Okay, to isme hum sabse pehle rights ke bare mein baat karenge. After talking about the rights we will try to give an understanding of why do we need rights, and uske beech mein hum ye baat karenge ki what are positive rights, what are negative rights. Aur this is something not only important not only for a student of political science to know about the rights. I think every human being, every individual who wants to live in a free society or in a liberal state, for that individual it is very important, pertinent to know about what are rights. So let's start talking about what are rights. When we start talking about the rights, there is an important thinker, his name is Harold J. Lasky. और जब भी rights की बात आएगी, I think जो Lasky का नाम है, that comes in the forefront. And Lasky has given in his book, A Grammar of Politics, that he wrote in 1925, he has given a very comprehensive or is a very concrete definition of what are rights. Okay? So what he has written, that the rights are those conditions of social life. Okay, conditions of social life without which no man can seek to be at its best. So what he is trying to say is that ki rights provide such social conditions, in the absence of that individual cannot be at its best. Means ek individual ko अपने जो उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर एबिलिटीज है, उसके अंदर जो कैपेसिटीज है, उसको बेटर करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, द रिक्वायरमेंट इज ऑफ द राइट्स. ओके, अब हम जब हम राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स आर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स, द पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑटोमेटिकली कम्स इन. ओके, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि जो एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल जो है वो हमेशा ही जो अपनी सोसाइटी है या उसकी जिस स्टेट में वो रह रहा है, इट इज ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ सम काइंड ऑफ कंटेस्टेशन. ओके, और उस कंटेस्टेशन में क्या चीज है,
जो स्टेट डिमांड करती है, स्टेट इज ऑलवेज आस्किंग फॉर द ड्यूटीज एंड इंडिविजुअल्स आर आस्किंग फॉर द राइट्स. और जो स्टेट है इट एक्सरसाइज अथॉरिटी ओके ओवर द इंडिविजुअल्स, बट ऑन द अदर हैंड द इंडिविजुअल्स आर ऑलवेज सीकिंग फॉर द राइट्स फ्रॉम द स्टेट. और वी कैन से दैट दीज आर द इंडिविजुअल्स, दे आर आस्किंग फॉर द राइट्स फ्रॉम द स्टेट एंड स्टेट इज एक्सरसाइजिंग द अथॉरिटी ओवर द इंडिविजुअल्स. तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइट्स हैं दे आर ए काइंड ऑफ ए टूल ऑफ एनालिसिस एंड सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच ब्रिंग्स और विच मेक्स ए क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड स्टेट और सोसाइटी. ओके, इसका मतलब यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेट इज अ मींस एंड इंडिविजुअल इज एन एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स. ओके, बिसाइड्स दिस राइट्स और क्या करते हैं राइट्स, हाउ डू वी अंडरस्टैंड राइट्स. राइट्स बेसिकली जो स्टेट की आर्बिट्रेरी नेचर है. ओके, देखो कोई भी जो स्टेट एग्जिस्ट करती है ना, स्टेट के पास पुलिस है, मिलिट्री है, आर्मी है. और स्टेट एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस वी टेंड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो स्टेट है इट इज वेरी मच पॉसिबल कि जो स्टेट है दैट बिकम्स ए पुलिस स्टेट. और उस पुलिस स्टेट पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए व्हाट इज बेसिकली रिक्वायर्ड, देयर इज ए नीड ऑफ राइट्स. ओके, नाउ ऑल्सो जो राइट्स हैं दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग ए सेफ गार्ड टू द इंडिविजुअल्स. ओके, अब व्हेन वी आर टॉकिंग सेइंग अबाउट द सेफ गार्ड्स, व्हाई दीज सेफ गार्ड्स आर रिक्वायर्ड, बिकॉज राइट्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं. इसके अलावा ऑन द अदर हैंड वी कैन ऑल्सो से दैट व्हेन इंडिविजुअल्स एंड देयर ग्रुप्स डिमांड ए पॉजिटिव रोल ऑफ द स्टेट. देखो यहां पे मैं दो चीजों की बात कर रहा हूं. वो क्या चीजें हैं कि एक तो इंडिविजुअल जो है वो स्टेट से अपनी लिबर्टी की बात करता है, मीन्स इट वॉन्ट्स टू हैव ए काइंड ऑफ पर्सनल स्पेस. ओके, एक ऐसी स्पेस जिसमें कि एक जो इंडिविजुअल है दैट कैन बी एट इट्स बेस्ट. और कोई भी इंसान कब बेस्ट होगा, जब उसे एक ऐसा स्पेस मिलेगा जिसमें वो एक काइंड ऑफ फ्री महसूस करेगा. ओके, एक तो ये हुआ कि इंडिविजुअल को फ्री स्पेस दे दी जाए. ऑन द अदर हैंड राइट्स तब आते हैं जब इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, स्पेशली द वीकर ग्रुप्स, जब वो अपनी जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, डिमांड्स हैं, उसको फुलफिल ना कर पाए सोसाइटी में, देन देयर कम्स द राइट्स. ओके, सो दिस इज हाउ, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, वी हैव नेगेटिव राइट्स एंड पॉजिटिव राइट्स. जब हम इसके ऊपर आगे थोड़ी देर में बात करेंगे तो वी विल बी क्लियरली टॉकिंग अबाउट दिस. और एक और चीज इसी दौरान के अगर राइट्स ना हो तो क्या होगा, देन इट विल लीड टू द कंप्लीट ग्लोरिफिकेशन ऑफ द स्टेट. ओके, कि स्टेट को एक ग्लोरीफाई किया जाएगा एंड जितना भी स्टेट में जो नेगेटिव एलिमेंट्स हों लाइक करप्शन, ओप्रेशन, इनजस्टिस, ओके, इन सब को कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट है जो उसको कंट्रोल करता है या उसको मैनेज करता है, बेसिकली दीज आर द राइट्स. ओके, सो व्हेन और ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स और ह्यूमन राइट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वॉइस ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑप्रेशन पेनिट्रेटेड बाय द डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी. इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइट्स हैं वो क्यों इमर्ज होते हैं, कि जो ऑप्रेस्ड क्लास है ओके, या वो क्लास जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, ओके, टू ब्रिंग जस्टिस टू देम, टू मेक, टू ब्रिंग इक्वालिटी टू देम, टू ब्रिंग लिबर्टी फॉर देम. सो दैट्स व्हाई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स, द कॉन्सेप्ट्स लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, दे आर वेरी मच कनेक्टेड विद ईच अदर. अबाउट द
two different aspects of rights. So these are the negative rights and the positive rights. और इसकी जरूरत क्या है? Okay? जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था ना कि जो rights हैं उसके दो main dimension हैं. Okay? उसी के basis के ऊपर ही we have negative rights and positive rights. और जब तक हमें इन दो rights के बारे में clearly नहीं पता होगा, then our understanding of what are rights will be incomplete. Okay? So let's talk about negative rights. देखो ये जो नेगेटिव राइट्स है ना, नेगेटिव राइट्स का मतलब हुआ कि एक कुछ ऐसे राइट्स जिसमें स्टेट का मिनिमम रोल और नो रोल. ओके, जैसे कुछ ऐसे राइट्स जिसमें इंडिविजुअल जो है वो सॉवरिन है. मींस इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल कैन मेक द चॉइसेस, फ्री चॉइसेस. लाइक वी हैव इन अवर, इवन इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, in Indian constitution under article fundamental rights we have article 19. usme jitne bhi articles hain, more or less they are the aspects of the negative rights. Why negative? Because we have freedom of speech and expression, freedom of movement, okay, freedom of association. To ye kuch aise rights hain jisme jo individual hai uski apni choice hai ki वो वट एवर एन इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू डू द इंडिविजुअल विल डू. ओके, सो दैट्स व्हाई देयर आर नेगेटिव राइट्स. और नेगेटिव राइट्स एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ओके, जस्ट थिंक कि इन द एब्सेंस ऑफ नेगेटिव राइट्स कि हमारा, हम जो सोचते हैं, के जो हम बोलते हैं उसके ऊपर अगर स्टेट हमें ये स्टेट का पूरा कंट्रोल हो या सोसाइटी का पूरा कंट्रोल हो तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि एक जो फ्री थॉट है, के फ्री आइडियाज हैं, वो फ्लोट होना बंद हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाई वी हैव नेगेटिव राइट्स. ओके, ऑन द अदर हैंड वी हैव पॉजिटिव राइट्स. अब पॉजिटिव राइट्स जो है वो नेगेटिव राइट्स के अपोजिट है. ओके, पॉजिटिव राइट्स का मतलब हुआ कि पॉजिटिव रोल ऑफ द स्टेट. देखो यहां पे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स, वी हैव टू टॉक अबाउट स्टेट. और कोई भी जो राइट्स हैं, वी सी देम इन पैरेलल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट. ओके, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात किया कि इंडिविजुअल आस्क फॉर द राइट्स फ्रॉम द स्टेट एंड स्टेट इज आस्किंग फॉर द सी एक्सरसाइजिंग द अथॉरिटी एंड आस्किंग फॉर द ड्यूटीज फ्रॉम द इंडिविजुअल. ओके, सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी हैव पॉजिटिव राइट्स. और पॉजिटिव राइट्स का मतलब हुआ कि स्टेट का पॉजिटिव रोल होगा. पॉजिटिव रोल का मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स सोसाइटी में अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी डिमांड्स हैं, अपनी एस्पिरेशंस हैं, उनको फुलफिल ना कर पाए तो उसमें क्या चीज जरूरी होगी? व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड? देयर इज द नीड ऑफ पॉजिटिव राइट, द पॉजिटिव रोल ऑफ द स्टेट. For example, again, if we look at the Indian Constitution, we have Article 21A, Right to Education. तो इसका Right to Education का क्या मतलब है? कि state का एक positive role होगा to provide education. इसके अलावा to provide jobs. और if we look at the directive principles, तो वहाँ पे क्या है? It is providing a direction to the state. और जहां पे भी, स्पेशली फॉर द वीकर सेक्शंस, व्हेन दे आर नॉट एबल टू एंजॉय सर्टेन बेनिफिट्स, दैट्स वेयर द राइट्स कम्स. सो दैट्स वेयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉजिटिव राइट्स. सो आई होप कि जो हमने नेगेटिव राइट्स और पॉजिटिव राइट्स की बात किया वो आपको समझ आया है. ओके, इसके अलावा देखो इसका जो डायमेंशन है ना नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स का, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द लिबरल स्टेट्स और कैपिटलिस्ट स्टेट्स, वहां पे नेगेटिव राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रीडम ज्यादा है. ओके, वहां पे लिबर्टी ज्यादा है. ओके, और वहां, और बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशलिस्ट स्टेट्स, सोशलिस्ट स्टेट्स लाइक यूएसएसआर, ओके, और वी कैन से रशिया, देयर वी सी मोर पॉजिटिव राइट्स. मीन्स जो स्टेट है वो पॉजिटिव रोल प्ले करता है
जो इंडिविजुअल्स हैं या सिटीजन्स हैं उनकी डिमांड्स को पूरी करने के लिए. बट ऑन द अदर हैंड नेगेटिव राइट्स एग्जांपल्स आर द कैपिटलिस्ट स्टेट्स लाइक यूएस और ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज. दे गिव दे आर द एस्पेक्ट्स ऑफ नेगेटिव राइट्स. ओके सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट बट ऑन द अदर हैंड वी हैव वेलफेयर स्टेट्स. वेलफेयर स्टेट्स का मतलब हुआ जहां पे कैपिटलिस्ट स्टेट भी है और यहां पे सोशलिस्ट perspective bhi hai. So this we will try to understand why do we need human rights. Okay. Or we will also talk about ki human rights hote kya hai. Okay. Dekho, if we go into the history of the human rights, so we can say that it is the human faculty of reason. Jise hum Hindi mein bolte hain tark. Okay. It is the reason that brought forth the relevance or can say importance of the rights. Okay. Aur agar hum isko theoretically dekhen, we can see the beginning of the human rights with the coming of the natural rights. The natural rights, the most important theorist who put forward the idea of the natural rights was John Locke. John Locke said that what are natural rights, and he also said that natural rights are a must for the individuals. So these are right to life, right to liberty, and right to property. Okay, so these were the three rights. Besides this, there was another political scientist, Thomas Jefferson. He also gave the aspects of the natural rights. So they were right to life, right to liberty, and right to pursuit of happiness. So and under this banner or under this umbrella we can understand, and this is how the idea of the human rights began. But after the Second World War ke time pe jo bhi world mein circumstances hue, okay, I hope you have gone through history a bit. Us time pe jo जर्मनी में जो हिटलर था, जो नाजीज थे, दे वर क्रूल अगेंस्ट द ज्यूज एंड वी नो दैट मिलियंस वर किल्ड एंड दैट वॉज द ग्रेव वायोलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स. और उसी के बैकग्राउंड में एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट द आइडिया ऑफ द ह्यूमन राइट्स became so important, and even it was only after that it was seriously felt that the need is there is a need to give more importance to the idea of the human rights. And besides this, even not only the Second World War, even in the American War of Independence also, it proclaimed, I will quote and unquote, it says that the American Declaration of Independence says that we hold this truth to self-evident that all men are created equal. They are endowed by their Creator with certain unalienable rights to be upheld at all times and in all circumstances. So you can see that it was in 1776 that the American War of Independence or Declaration of the Independence, it says that there are certain human rights which needs to be protected. Ki rights ko protect karna hai under any circumstance and at all times. Okay, so this became a very famous statement. And however, as we said about the Second World War, that because of that, it was on this day in 1948 the UN declared the human rights on this day that contained 30 articles and a preamble. Okay, it recognizes the inherent dignity and equality of all human beings and it to protect the justice and peace in the world. So we can say that it is because of the circumstances which were there before and during the First World War, interwar periods, and the Second World War, it led to the
coming of the Universal Declaration of Human Rights on this day. Okay, and jo human rights hai, if I have to tell you in a bit short also, see, every citizen of a state enjoys democratic rights. और ये जो democratic rights है, इसका मतलब क्या है? More or less the political rights, right to vote, right to contest in the elections, right to be elected in the public offices, okay, right to criticize the government. So these are democratic rights, okay. और democratic rights will be insufficient in the absence of civil rights. Or we can say that in the absence of civil rights. अब civil rights क्या हुए? Like जैसे हमने negative rights में बात किया, freedom of speech and expression, freedom of movement, okay, freedom to form associations. So in the absence of civil rights, democratic rights becomes a challenge. Okay, लेकिन civil rights will not be possible or we cannot do justice with the civil rights in the absence of human rights. So we can say that for having democratic rights, we need to have civil rights. And in order to have civil rights, it is very important to have the human rights. So human rights is a have a broader understanding. Or अगर किसी स्टेट में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस दैट कि फॉर दैट स्टेट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट स्टेट टू डेवलप टू इट्स हाईएस्ट पोटेंशियल. सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग आई होप इन टुडेज लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द व्हाट आर राइट्स एंड वी ट्राई टू कंसेप्चुलाइज द राइट्स व्हाट आर राइट्स एंड what is the relevance of the rights and how it exists in a state and how it exists in a society. I hope you have got some understanding about the rights, okay, and especially this portion about the negative rights and the positive rights. Or I am very much sure that this lecture must have enhanced your understanding about the rights. Thank you.